We have one of our main speakers for the day, Goswamy Sushil Ji Maharaj, who is, in fact, his father, Maharishi Bhrigu Uttadishwar Goswamy Sushil Ji Maharaj, he had started a whole Sanatan Dharma and which he has taken over. Goswamy Ji created an insatiable desire for peace and love, a desire to elevate the sufferings and sorrows of human society. Inspired by Goswamiji to form the Maharishi Bhrigu Foundation in 1998. To fulfill his mission of Om Shanti Vishwa Shanti, Goswamy Sushilji Maharaj, at the age of 53, when he was at the peak of his career in the world of art, when he was the highest paid choreographer in the country, he renounced the world. He embraced one prastha in 1999, by the inspiration of the seer of Shiv, Bhari Bikaner, Pujya Swami Samvit Somgiriji Maharaj. Since then, it has been a long, rich, fruitful journey on the road of dialogue and social harmony. I visited his temple in Greater Noida, where he has symbols of all religions within his temple, and he celebrates every festival of every religion in the temple. Welcome, Goswamy Sushil Ji Maharaj, for your words. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhatrani pashyantu, mahakashya dukkha bhag bhave. Upasthit mahanubhav, manch par virajman, aaj ke is samaroh ke mukhya atithi, adarniye Bishop of Goa, respected Secretary General of Bishop Conference of India, different religious brothers, ladies and gentlemen, मैं अपनी बात हिंदी में कहना चाहता हूँ और अभी तक जितने भी वक्ता अपनी बात को रखे हैं उन्होंने अपने धर्म के विषय में और भारत की संस्कृति के विषय में बताया है। मैं उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ने की इजाज़त आपसे चाहता हूँ आदरणीय आज के मुख्य अतिथि जी से, सेक्रेटरी जनरल साहब से। आज देश एक नई दिशा की ओर जा रहा है, सबका साथ सबका विकास इस देश का, इस देश के प्रधानमंत्री का नारा है। इस सब का पूरा भारत हृदय से स्वागत करता है, इसमें कहीं दो राय की बात नहीं। परंतु बींग एन हिंदू स्पिरिचुअल लीडर, मेरे कंधे पे दायित्व ज्यादा है क्योंकि मैं मेजोरिटी से संबंध रखता हूं। मैंने जो मंत्र पढ़ा वो हमारे सनातन धर्म का मंत्र है, जो मेरा धर्म कहता है कि हमको सबको साथ लेकर चलना है और मानवता के लिए जो ईश्वर ने हमको भेजा है, आप और मैं, हम सब पहले उस परमात्मा के पुत्र और पुत्रियां हैं जिसने हमको इस संसार में भेजा है। परंतु ईमानदारी के साथ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर हम उसको फुलफिल करते हैं तो भारत देश बहुत आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। परंतु जिस प्रकार से आज का वातावरण है उसमें एक भय व्याप्त है,
कैसे भय है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ जाए तो इसका इलाज है। कोई बीमारी होती है, डॉक्टर को ही पता लग जाए ये बीमारी है, तो उसका इलाज उसकी दवा कर लेता है। और जब बीमारी लाइलाज हो, उसके विषय में पता ना हो, तो मामला गंभीर हो जाता है। मुझे इमाम साहब क्षमा करेंगे, क्या आप सब जो धर्मगुरु हैं मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य जो है वह यह है कि वातावरण अच्छा शुद्ध बनाए रखना। आज जो ये सभा यहाँ हो रही है सभागार में, फादर एग्नल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया और हमारी सर्वधर्म संसद की ओर से, ये एक ऐसा मैसेज आज के गोवा के इस अधिवेशन से हम देना चाहते हैं कि जहां कहीं भी धर्म के नाम से हिंसा हो, उसको किसी कीमत पर स्वीकार न किया जाए। भारत एक ऐसा देश है जो आदि अनादि काल से अनेकता में एकता की वजह से जीवित है। आज हमारा जो स्वरूप है वो हमारी एक मिलीजुली सभ्यता कल्चर का है। अभी आपने देखा कि इस फंक्शन का इनॉग्रेशन हुआ तो दीप प्रज्वलित करके हुआ, नृत्य हुआ तो उस पर गणेश वंदना पर हुआ, जो गीत बच्चों ने गाया वो राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए गाया, देश के लिए गाया। ये हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म नहीं है। अगर हमारा धर्म होता तो मुझे मालूम है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को विश्वास करने वाले ज्यादा लोगों का इस प्रोग्राम में सहभागिता है, तो वो किसी और स्वरूप से इसका इनॉग्रेशन कर सकते थे। मगर सबसे पहला मैसेज यही दिया गया कि हमारी कल्चर जो है भारतीय सभ्यता वो बहुत पुरानी है। इस धरती पर समय समय पर सब तरह के लोग आए हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले आए हैं। यहाँ आर्य, शट, हून, फारसी और यहाँ अरबी आए, भूले मिले पर मिट न सके अपनी संस्कृतियों के साए। आए यहाँ फिरंगी देखो, सौदागर का भेष लिए, जहांगीर ने तोमसरों को व्यापारी अधिकार दिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिस्ट्री है, इंडिया का इतिहास है कि जो भी इस यहाँ आया, इस सुंदर धरती पर आया, इस धरती में बस गया, इस धरती की संस्कृति में मिल गया और उसे एक नई ऊर्जा पैदा हुई जो आज का भारत है। आज का भारत किसी एक धर्म को मानने वाले व्यक्ति का नहीं है, आज ये भारत है हम सबका है। जिसने इस देश में जन्म लिया है ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भारत उसका है। और अगर कोई ऐसा ये सोचे कि सिर्फ भारत मेरा है तो इस भारत को टूटने से कोई रोक नहीं सकता है, ये ऐसा पहले इस भारत में हुआ है। धर्म के नाम पर, संख्या के नाम पर इस देश का विभाजन हुआ है। मुसलमानों को आज ये कहना पड़े कि वो भारतीय हैं, उनको ये प्रमाण पत्र देना पड़े कि भारत के प्रति वफादार हैं, उनसे ये कह दिया जाए कि आप पाकिस्तान चले जाओ, तो इससे बड़ी गाली किसी मजहब किसी के नहीं हो सकती। इतनी बड़ी गाली है, एक कम्युनिटी का आदमी दूसरे कम्युनिटी को गाली देता है कि आप यहाँ से चले जाओ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्यों चले जाएं? ये तो उनका देश है, उनके दादा का है, उनके परदादा का है। 1857 की लड़ाई भी बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ी गई है, भारत का एक एक बादशाह उसके साथ खड़ा रहा है। ये भारत का इतिहास है, मेरा थोड़ी है। अंग्रेज के विरोध में अगर एक कुछ खड़ा हुआ तो ये था एक विदेशी हकूमत को, किसी धर्म को नहीं, विदेशी हकूमत को इस यहां से हटाने की बात थी। मैं छोटा था, गोवा में बैठा हूं, पहली बार आया हूं, गोवा की स्वतंत्रता का थोड़ा थाड़ा मुझे याद है, किस तरह से सबने एक कुर्बानी देकर इस देश के इस अंग को सुरक्षित रखा।
आज हम एक कहें कि एक रिलीजन को मानने वाला दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो ये भारत नहीं चल सकता, ये सोचने के लिए आज की कॉन्फ्रेंस में हमको जरूरत है। ईमानदारी से तुष्टिकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं कल माननीय भागवत जी से इसलिए मिलने गया था कि मैं इस कॉन्फ्रेंस में आ रहा हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो वो मेजोरिटी के नेता हैं, एक धार्मिक नेता है। मैंने उनसे कहा कि मैं गोवा में जा रहा हूँ सर्वधर्म संसद, और सब मिलकर हम दोस्ती का पैगाम इस देश में जाना चाहते हैं। एक जो भय का वातावरण बन गया है उसको हम कैसे हटा सकते हैं? हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, न किसी सरकार का विरोध कर रहे, न किसी पंथ का विरोध कर रहे, न किसी व्यक्ति का विरोध कर रहे, मगर हमें अपने अधिकारों के लिए सुरक्षित और सुरक्षा का अधिकार हमको है, हमें उस पर विचार करना अनिवार्य है। मैंने उनसे कहा कि ईसाई धर्म के लोग भी भय खा रहे हैं, मुस्लिम धर्म के लोग भय खा रहे हैं, आखिर ऐसा वातावरण क्या है? जबकि देश में एक आशा वाली एक सरकार आई है, हम सब उस सरकार का समर्थन कर रहे हैं, भारी बहुमत दिया, जो भारत में इतना भारी बहुमत किसी को हुआ नहीं, फिर ऐसी भावना क्यों उत्पन्न हो रही है कि हम अलग अलग हैं, हम एक नहीं हैं? अगर भारत के संविधान में सबका बराबरी का अधिकार है तो मैं कहता हूं कि स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटी को ये मैं मानता हूं कि जितना योगदान समाज में भारत में उनका है, एजुकेशन को लेकर, सेवा को लेकर, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है फ्री एजुकेशन टू ऑल, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग, ऐसा नहीं है। मगर क्या है कि अगर ये मिशनरी स्कूल कॉलेजेस ना हो तो हमारी दशा भारत की क्या होगी? इतना बड़ा काम एक पर्टिकुलर धर्म को मानने वाले भारतीयों ने अपने कंधे पर लिया है, मैं उसके लिए आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। खाली बात करना, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना, ये देश के लिए बहुत जरूरी है। हम सब देश से प्यार करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो अलग धर्म को मानने वाला इस देश के साथ प्यार नहीं करता। और मेरे सिख धर्म के जब हम बंद कमरे में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी पीड़ा है। इमाम साहब क्षमा करेंगे, इमाम साहब भी जब हमारे साथ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं पीड़ा लगती है, उसका उपाय सोचना है, उसके लिए आज की कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और ये कॉन्फ्रेंस ही हो जाएगी खत्म, ऐसा नहीं है, ये एक मिशन, एक संदेश यहाँ से गोवा से लेकर हम पूरे भारत में जा रहे हैं। भारत में जब भी धर्म के नाम पर कोई अत्याचार होगा, ये भारत की सर्वधर्म संसद अपना सीना सामने ले जाकर इस भारत की रक्षा के लिए खड़ी हो जाएगी, क्योंकि भारत सबका, भारत किसी एक का नहीं। मैं बारंबार ये बात कहता हूँ, और मुझे आज बड़ी खुशी इस बात की है कि आदरणीय हमारे सेक्रेटरी जनरल मिश्र साहब ने कुछ दिन पहले, मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट किया था, प्रार्थना किया था कि हमारी ये जो मशाल है अधूरी रह रही है, हम आपकी शक्ति चाहते हैं भारतीय सर्वधर्म संसद के साथ, कि आप हमारे साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर सामने आए। किसी के विरोध में हम जाने नहीं चाहते, हम बार बार इस बात को कहते हैं, ना हमारा किसी राजनीतिक संस्था से कोई लेना देना है। मगर मैंने जैसे पहले कहा कि मैंने हिंदू घर में जन्म लिया है, मैं हिंदू स्वामी हूँ, मेरा दायित्व तो बहुत बढ़ गया है, मगर मुझे खुशी हो रही है कि आप सब मेरे साथ हैं, और हजारों स्वामी आपके साथ हैं। आप निश्चिंत होकर जहां भी कहीं अत्याचार होता है हम आपके साथ खड़े होंगे। किसी भी धर्म के आदमी के साथ अत्याचार भारत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये भारत अब दोबारा कभी टूटेगा नहीं, ये भारत सबका है, सबके लिए, सबके साथ रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पहली बार आपके गोवा में आया हूँ, इतना सुंदर गोवा, उसके बारे में सुनता था, और गोवा में रहने वाले लोग, मुझे खुशी होती है, आदरणीय बिशप साहब, गोवा के बिशप साहब के विषय में मुझे बताया गया, मुझे दर्शन करके बहुत अच्छा लगा कि गोवा की मिट्टी से एक नए इतिहास की रचना होने जा रही है। ये जो आज का ऐतिहासिक ये कॉन्फ्रेंस है, ये आगे बढ़ेगा, और मुझे आशा है कि आप सब लोग जो हमारे धर्म गुरुओं को सुन रहे हैं, इंडिविजुअल एक एम्बेसडर के रूप में, एक राजदूत के रूप में, अपने समाज में, अपने अपने गली और मोहल्लों में एकता अखंडता का पैगाम देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी आज की कॉन्फ्रेंस का कोई बड़ा लाभ हमको नहीं होगा। मैं अंत में
अधिक न कहता हूँ कि समय का बहुत बंधन है। मैंने कुछ बातें स्पष्ट की हैं, कोई भी उसको अदरवाइज न ले। मेरी पीड़ा है भारत के लिए, हमारा भारत का धर्म सबसे बड़ा है। मेरे धर्म हिंदू धर्म से पहले मेरा भारत का धर्म है, जिस मिट्टी में मैंने जन्म लिया है। कोई भारत माता की जय कहता है, कोई मादरे वतन की जय कहता है, कोई मदरलैंड की जय कहता है, सबका मीनिंग एक ही है, सब भारत के पुत्र पुत्री हैं, भारत उनकी माँ। मगर किसी को जबरदस्ती ये कहा जाए कि तुम जरूर बोलो कि भारत माता की जय है, तो मैं सोचता हूँ ऐसा ना होकर अगर वो मदरलैंड कहता है तो वो भारत माता की जय कहता है, अगर मादरे वतन कहता है तो भी इस मिट्टी को सलाम करता है। मेरे इमाम साहब ने अभी हरियाणा में बहुत बड़ा एक ऐसा, किसी इमाम को किसी ने थप्पड़ मार के बोला कि जरूर बोलो भारत माता की जय, तो वहाँ न्यूसेंस क्रिएट हो गया, वहाँ बहुत बुरा हाल हो गया। इमाम साहब ने फैसला किया और एक बहुत बड़ी सभा, जितने भी इमाम थे हरियाणा के, उन सबको इकट्ठा किया और कहा कि ये जो छोटी मोटी हरकत करने वाले हैं, ये भारत का असली स्वरूप नहीं है। हर कम्युनिटी में कुछ लोग अच्छे और बुरे होते, मगर हमें जानते हुए उसी वक्त उसको दबा लेना चाहिए। मुझे खुशी हुई कि उस प्रोग्राम में मैं भी गया था, आज हरियाणा बिल्कुल शांत है, हरियाणा में कुछ नहीं। वाघा बॉर्डर में हम गए, हमारे आदरणीय चंडूक जी, हमारे हाथ में भारत का झंडा था और हमने पाकिस्तान के आवाम को भी कहा शांति और अमन के साथ आओ डायलॉग करें। ये जंग जो है हथियारों की, ये इससे कभी आज तक कोई फैसला नहीं हुआ, आगे भी नहीं होना है। अगर ऐसा होना होता तो दो दो तीन तीन चार चार हम जंग लड़ चुके हैं, कोई हल नहीं निकला। हल निकलेगा, टेबल पर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, अपने मनों की कटुता को अलग करेंगे। हम डीएनए एक रखते हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, आस पास हो, वो सब एक भारत की कल्चर है, भारतीय संस्कृति है। मैं आपसे अंत में एक वादा लेना चाहता हूँ, अगर आप मेरे से एग्री हैं जो मैंने आपसे कहा है, कि आज की इस कॉन्फ्रेंस के बाद आप एक ऐसा व्रत लेके जाएं अपने गली में, मोहल्ले में, परिवार में, कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए आप काम करेंगे, ये सबको मैसेज देंगे, और जहां भी गलत काम करने वाले लोग हैं उनका मुकाबला करेंगे, दृढ़ता से मुकाबला करेंगे, डरेंगे नहीं। अगर आप मेरे इस प्रस्ताव से सहमत हैं तो दोनों हाथ खड़े करके मेरा समर्थन करिए। ओपन योर हैंड्स, मेरे साथ एग्री हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।